बैक टू माय ऑडियंस, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल में ट्रू स्टेट। तो आज हम आ चुके हैं अपनी नई साइट पे जिसका नाम है अवध आवासी योजना। कंपनी है उसका नाम है स्टार व्यू विन। तो आज हम अपनी साइट पे एक्सप्लोर करेंगे। ये जो बेसिकली साइट बनाई गई है वो है सर इन्वेस्टमेंट पर्पज से। आप लोग को भी बहुत से ऑडियंस मेरी होगी जो इन्वेस्टमेंट की पर्पज से ढूंढ रही होगी साइट। आप लोग भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में पर उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए बेनिफिट तो वो है हमारी प्लॉट या लैंड। उसमें आपका क्या होता है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी नई साइट है ये इसी पर्पज से हम लोगों ने लॉन्च की गई है, जो हमारी अवध आवासी योजना है। आज हम लोग अपनी साइट को एक्सप्लोर करेंगे। तो जो अपनी आ चुके हैं अपनी साइट पे अवध आवासी योजना फेस वन। तो जानेंगे इस साइट के बारे में साइट के मेंबर्स, साइट क्या कंपनी के मेंबर्स से। तो चलते हैं। हेलो सर। हेलो, हमारी ऑडियंस को हेलो बोलिए। हेलो एवरीवन। अपना सर पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं कमल त्रिपाठी स्टार व्यू कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट अवध आवासीय योजना फेस वन के नाम से, जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट साइट भी है। और क्या है कि आज के डेट में लोगों को ये रहता है कि हम कुछ अपने पैसों को बचाएं तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से जी। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लॉट्स लेकर के या घर लेकर के या कुछ भी लेकर के हम बढ़िया ये एक कहते हैं तरीका है अपना पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करने को। कि आपको भी पता है कि बैंक में इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बैंक से इतना अच्छा कोई अगर आप जमा भी करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है तो 9% या 10% मिलता है। बट ये प्लॉट एक ऐसी चीज़ है अगर आपने इसमें पैसा लगाया है इन्वेस्ट किया है तो आपको 2 से 3 साल में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। Exactly. तो सर हमारी ऑडियंस को पहले तो ये बताइए कि ये साइट की लोकेशन क्या है। देखिए ये साइट की लोकेशन जमालपुर ददरी लगता है। अच्छा। ठीक है, आप यहां से 2 किलोमीटर पे आपका असली खेड़ा पड़ता है। ठीक है, इस लोकेशन पे कई सारे इन्वेस्टमेंट साइट चल रहे हैं जिसमें कि एक हमारा भी है। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट साइट जो है वो चला रहे हैं 799, 800, 800, 850, 900 तक जा रहे हैं। बट प्रेजेंटली हम लोग रेसिडेंशियल पैच पे खड़े हैं और रेसिडेंशियल पैच जो है 551 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, और जो फार्म हाउस लैंड एरिया जो हमारे किसान पद के सेकेंड फेज में पड़ता है वो आपका 651 का रेट है, और जो किसान पद से लगी हुई जो हमारी कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो आपका 751 के रेट से हम यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, और सर हमारी ऑडियंस को बताइए कि यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज क्या है। देखिए बेसिक एमिनिटीज में जो हम लोग के मेन रोड्स होंगे, जैसे कि ये रोड है, ये 40 फुट की रोड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये 40 फुट की रोड है। यस, ये मेन रोड जो होगी ये 40 फुट की रोड होगी। अच्छा, 40 फुट के साथ साथ हम लोग 30 फुट की रोड दे रहे हैं और इन बिटवीन द प्लॉट्स दो प्लॉट्स के बीच में हम 25 फुट की रोड मिनिमम दे रहे हैं। अच्छा, दो प्लॉट्स के बीच में 25 फुट की रोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, कि आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं इस प्लॉट पे। देखिए इस प्लॉट पे जो हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं जी, 40 फुट, 30 फुट, 25 फुट की रोड दे रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ड्रेनेज दे रहे हैं, 100x200 के पार्क्स 4 से 5 जगह दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे स्कूल भी प्रपोज्ड है। और चूंकि कमर्शियल प्लॉट ऑलरेडी हम लोग किसान पद से फर्स्ट फेज में जो हम लोग काट रहे हैं कमर्शियल प्लॉट, उस पर बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जैसे शॉप्स हो गए, कई सारी चीजें हम लोग लेकर के इस पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा,
और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो देख रहे हैं, खंबे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब तुरंत इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के खंबे वायर्स जा रहे हैं, बाकी पीछे से पूरी बसावट है, ठीक है, लोग वहाँ पे बना करके लोग रह रहे हैं। ये मतलब की पान के लिए 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट है, जिसपे की लोगों को एक पीछे लोग जैसे देखने में आ रहा है की पीछे से लोग रहना भी चालू कर दिया, हाउसेस वगैरह भी बन गए हैं। जी बिल्कुल। तो और सर यहाँ पे बताइए कि जो मिनिमम प्लॉट का है, मिनिमम जो प्लॉट साइज है वो 20x50 का है, 1000 स्क्वायर फुट का है। अच्छा। 1000 मतलब कि डेप्थ जो होगी वो 50 की होगी, बाकी आप फ्रंट चाहे जितना भी ले सकते हैं। अच्छा भाई 25x50 डेप्थ होगी वो 50 है, जो डेप्थ हमारी है उस पर लिमिटेशन है, 50 फुट की डेप्थ होगी। अच्छा। या दो रोड मिला करके आप 50 के बजाय 100 का भी डेप्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो 100 का डेप्थ लेने पे क्या होगा कि आपको आगे और आपके पीछे दोनों साइड में आपको कनेक्टिंग रोड मिल जाएगी। अच्छा, मतलब आगे पीछे दोनों साइड से रोड आपको मिल जाएगी। जी, बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफी सारे लेबल हम लोग कर दिए हैं, हमारा काम चालू है। पीछे हमारा सेक्शन सेक्टर डी सी बी और ए पड़ता है, तो उधर में भी डेवलपमेंट है, इधर में ई ई सेक्टर ई है, तो ई में भी हमारे कई सारे डेवलपमेंट हो रखे हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे पोजीशन भी ले लिया है अपना, बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्लॉट भी अपने ले लिए हैं और पोजीशन भी उन्होंने ले लिया है। कि जो ये कॉर्नर प्लॉट है ये क्या अवेलेबल हो जाएंगे? देखिए कॉर्नर प्लॉट जो हमारे मोस्टली हैं जी, जो अभी बचे हुए हैं वो नियर अबाउट 2000 स्क्वायर फुट के प्लॉट एरिया होते हैं। अच्छा। क्योंकि कॉर्नर प्लॉट पे क्या होता है कि 10% की कंपनी पीएलसी चार्ज करती है। अच्छा, ठीक अच्छा, है अच्छा। वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है 10% का। बाकी कॉर्नर प्लॉट में बेनिफिट ये रहता है कि आपको बोथ साइड से रोड, आपको दो साइड से रोड मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसी इसी दो साइड रोड होने की वजह से प्रीफर्ड लोकेशन चार्ज उस पर लगा हुआ है 10% का पीएलसी। चलिए, मतलब कॉर्नर प्लॉट भी अवेलेबल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। पैसे हमारा वो 551 रुपए पर स्क्वायर फुट का है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग मिडिल क्लास को भी टारगेट करते हैं, लोअर क्लास को भी टारगेट करते हैं, बाकी जैसे कमर्शियल पैचेजेस है और फार्म हाउस पैचेजेस है उस पर हम लोग अपर क्लास को भी टारगेट करते हैं। टारगेट इन सेंस की हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ पे, और कंपनी का मोटो ये है कि जो लोग कम पैसे भी कमा रहे हैं उनके पास भी एक लखनऊ जैसे शहर में एक प्लॉट हो जाए। शहर में जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर यहाँ पे लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ से बताएंगे हमारी ऑडियंस को यहाँ से लुलु मॉल कितनी दूर है? देखिए बात करें लुलु मॉल, मैदानता, ठीक है, अवध विहार योजना, अंसल, ये सब यहाँ से नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 किलोमीटर में ये आपका पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर, 15 से 18 किलोमीटर, क्योंकि यहीं से 8 किलोमीटर में अंसल की पैचेस चालू हो जाते हैं, ठीक है। न्यू जेल के पीछे से अंसल की पैच है कई सारे, ठीक है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं 6-8 किलोमीटर वहां पे फिर हम लोग क्या करते हैं कि अवध विहार योजना के अंदर हम लोग आ जाते हैं। बाकी रहा लुलू की बात तो लुलू यहाँ से 18 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएगा। तो लुलू मॉल जो है आपका वो आपका 18 किलोमीटर अप्रोक्स है। और सर ये जो न्यू जेल में आया था तो रास्ते में न्यू जेल पड़ी थी, सर वो कितनी दूर है? यहाँ से न्यू जेल नियर अबाउट 7 किलोमीटर है, क्योंकि न्यू जेल के जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से जाते समय लेफ्ट हैंड साइड में न्यू जेल का जो है वहाँ पे आपका अटल आवासीय योजना विद्यालय है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे इस लास्ट मतलब कि सेशन से चालू कर चुके हैं पढ़ना। बाकी अवध आवासीय अटल आवासीय स्कूल के बगल से ही जो है आपका आवास विकास के 325 एकड़ जो भी प्रपोज्ड है वहाँ पे जो भी लेआउट लगा हुआ है फर्स्ट फेज का, ठीक है, वहाँ पे वहाँ अवध मतलब कि आवास विकास का पैचेस वहां से चालू हो चुका है। तो सर मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, अगर हमारी ऑडियंस आती है, ठीक है, तो उसके लिए कोई फेस्टिवल ऑफर? जी बिल्कुल, फेस्टिवल ऑफर में ये रहता है कि जो भी प्लॉट की कॉस्टिंग होती है टोटल प्राइस जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो हम उस पर स्टैम्प ड्यूटी या फिर आप कह लीजिए रजिस्ट्री का जो भी अमाउंट होता है हम उसको वेव ऑफ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब अगर हमारे ऑडियंस आती है या जो फेस्टिवल से पहले जी या इस समय होली आने वाली है उससे पहले अगर आती है रजिस्ट्री होती है तो आपसे रजिस्ट्री मतलब फ्री है वो? जी बिल्कुल। तो जो रजिस्ट्री का जो चार्ज है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप लोग होली से पहले बुकिंग कराते हैं तो जो रजिस्ट्री का चार्ज होगा यहाँ पे वो आपसे नहीं लिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट डे से पोजीशन दिया जा रहा है, फर्स्ट डे से रजिस्ट्री दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्री जैसे कि अगर वन शॉट कराते हैं तो सेम डे ही खारिज दाखिल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 50-50 पे भी हमारी रजिस्ट्री होती है कि 50% दे करके आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं,
बाकी आपको साल भर का समय दिया जा सकता है, जो भी रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है उसको कंपनी को पे करके फिर उसके बाद आप अपने, लेकिन जो है आपका पोजीशन वाली जो बात है, पोजीशन वाली हम पोजीशन टोकन पे भी पोजीशन देने के लिए हम सक्षम हैं। ठीक है, बात करें कि प्लॉट की जो भी वैल्यू होती है, बुकिंग अमाउंट मान के चलिए कि कम से कम नियर अबाउट 10% हम लोग रखते हैं। अच्छा। बाकी उनको हम लोग समय देते हैं, एक महीने का समय देते हैं कि वो अपनी रजिस्ट्री चाहे 50% पे है चाहे फुल अमाउंट पे है, उस चीज को करा करके एक महीने के अंदर जो है उसको पेमेंट दे दे जी, और अपनी रजिस्ट्री करा लें। बिल्कुल, तो आइए फटाफट बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि अगर आपको होली से पहले आते हैं तो ये आपको बम्पर ऑफर का आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और ये वीडियो जिन भी आपके कलीग्स को प्लॉट्स की या लैंड की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदना चाह रहे हैं। As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. As the hours pass, we're gonna do it.